हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर डिजिटल एक्सपोर्ट टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, मैं आज के पर्टिकुलर इस वीडियो में बात करने वाला हूं गाइज, आप किस तरह से रन बॉक्स को ओपन करना है। और रन बॉक्स से फ्रेंड्स आप वन क्लिक में यूट्यूब, फेसबुक, आप चाहें जो भी वेबसाइट, अगर उसे आप वन क्लिक में लॉन्च कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं विंडोज़ के साथ आर प्रेस करा, रन बॉक्स ओपन हो चुका है। अब फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब टाइप करूँ और अगेन फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगा तो फ्रेंड्स ये अभी ओपन नहीं होगा, ओके। जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एरर मैसेज आ चुका है, ओके। सो फ्रेंड्स मैं आज के इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ किस तरह से आप इस फीचर्स को आप इनेबल कर सकते हो, ओके। मैं यहाँ पर यूट्यूब सर्च करा, आप चाहें तो फ्रेंड्स यूट्यूब, फेसबुक, आप जो चाहें वो फ्रेंड्स वन क्लिक में ओपन कर सकते हैं, ओके। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको सिंपली कोई भी सर्चिंग वेबसाइट ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पे गूगल क्रोम का यूज कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स अब गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको सिंपली यूट्यूब टाइप करना है। और यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो यूट्यूब का यूआरएल एक जनरेट हो चुका है, ओके। सो फ्रेंड्स आपको इस यूआरएल को कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक कॉर्नर में थ्री डॉट देखने को मिलेगा, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है और अगेन मोर टूल्स पर आपको क्लिक करना है यहाँ पे। और यहाँ पर फ्रेंड्स एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रिएट शॉर्टकट, ओके। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स एक पॉपअप मैसेज निकल के सामने आएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको यूट्यूब बाय डिफॉल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप चाहें तो इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं, ओके। अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो भी नाम दें, सो फ्रेंड्स आपको विंडोज़ के साथ जब आर प्रेस करेंगे रन बॉक्स ओपन होगा, सो फ्रेंड्स आपको यूट्यूब खोलने के लिए वही नाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ यूट्यूब। अगर इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सिंपली चेक मार्क कर देना है और क्रिएट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इससे फ्रेंड्स आपके डेस्कटॉप पे एक यूट्यूब का एक शॉर्टकट क्रिएट तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आप चाहे तो इसे कॉपी कर सकते हैं या फिर कट कर सकते हैं, ओके। तो मैं यहाँ से इसे राइट क्लिक और इसे कट कर लेता हूँ, ओके। और कट करने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली जिस भी ड्राइव में आप विंडोज रखे हुए हैं लाइक सी ड्राइव, डी ड्राइव, इसके लिए फ्रेंड्स आपको दिस पीसी पे क्लिक करना है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सी ड्राइव में हमारा विंडोज है, विंडोज़ का सिंबल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ड्राइव को ओपन करना है, एक ऑप्शन आपको चेक फाइंड आउट करना है विंडोज़ का, ठीक है। तो विंडोज ओपन करना है, इसके बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली सर्च करना है सिस्टम 32, और सिस्टम 32 आपको सिंपली फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसे ओपन कर लेना है। अब फ्रेंड्स आप इसे यहाँ से पेस्ट कर दें, ठीक है। सो फ्रेंड्स आप पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ एक एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन आपसे पूछा जाएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सो फ्रेंड्स ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब फ्रेंड्स मैं आपको चलता हूँ, इसे क्लोज करता हूँ। अब एक बार मैं यहाँ पे रन बॉक्स ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं यूट्यूब सर्च करता हूँ और अगेन इंटर हिट करता हूँ या फिर ओके पर क्लिक करता हूँ। सो फ्रेंड्स अब देख सकते हैं जो एरर मैसेज आ रहा था, अब फ्रेंड्स यहाँ पे वन क्लिक में यूट्यूब आप ओपन कर सकते हैं, ओके। इसी तरह से जिस तरह से मैं फ्रेंड्स यूट्यूब का जो भी प्रोसेस बताया हूँ उसी तरह से फ्रेंड्स आप फेसबुक कोई भी साइट ओपन करना चाहते हैं तो वन क्लिक में आप कर सकते हैं, ओके। सो फ्रेंड्स इसी तरह का टेक्निकल और ट्रबल शूट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे हमारी कोई भी नई अपडेट होगी तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मिलता है फ्रेंड्स आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच गाइज।